हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करते हैं बाबा रामदेव जी के बारे में। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया है और उसमें बोला है कि ये जो एलोपैथी है, जो मेडिकल साइंस है, ये एक दिवालिया और स्टूपिड साइंस है। और उन्होंने साथ में कहा कि इसकी वजह से कोरोना वायरस से जो डेथ हो रही है वो इस मेडिसिन की वजह से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो मेडिसिन इन मरीजों को दी जाती है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और जो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, इनकी वजह से लोग और मर रहे हैं। ऑक्सीजन की वजह से तो लोग मर ही रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इन मेडिसिन की वजह से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो जैसे ही इनका बयान उन्होंने दिया तो ये वीडियो एकदम वायरल हो गई। और जब वो बोल रहे थे तो बहुत लोग थे, पूरी सभा लगी हुई थी और लगभग 2 मिनट तक बोले वो कंटिन्यू, और काफ़ी उन्होंने बुरा भला मेडिकल साइंस के बारे में कहा, वो भी इस प्रॉब्लम की वजह बीच में, जब हम कोरोना वायरस की प्रॉब्लम में हैं और लोगों को सही डायरेक्शन दिखाने की बजाय एक कुछ भी। जब IAM ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनके ऊपर कंप्लेंट फाइल किया, तो उन्होंने कहा वो एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ के लोगों को बता रहे थे, वो भी इतनी बड़ी सभा में। मतलब व्हाट्सएप मैसेज में तो कुछ भी आ जाएगा, एक आदमी कुछ भी लिख के भेज दे, वो आगे आगे फैल जाता है, तो वो सच थोड़ी ना हो जाता है। तो वो लोगों को पढ़ के सुना रहे थे, तो जिस तरह से वो हंस हंस के पहले भी बच जाते थे, बोल दिया वो कर दिया, इस तरह से वो वैसे कर रहे थे, लेकिन इस तरह कब तक चलेगा। इस बार वाकई ही उनको पकड़ा है और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। अगर उन्होंने सच बोला होता तो माफ़ी मांगने की उनको ज़रूरत ना पड़ती, एक लॉजिकल बात करते कि मैंने जो बात कही है वो सही है, उसको प्रूफ करते, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली क्योंकि उनको पता है मैंने जल्दबाजी में कुछ भी बोल दिया। और ये पहली बार नहीं है कि बाबा रामदेव ने इस तरह का भाषण दिया, ये कुछ दिन पहले की बात है जब एक स्टेज में बोल रहे थे कि ऑक्सीजन तो पूरी एटमोसफेयर में फैला हुआ है, जितना चाहे लो, जितना चाहे लो, सिलेंडर नहीं है। इस तरह का उनका लैंग्वेज था कि मतलब सिलेंडर की ऑक्सीजन अलग होती है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अलग होती है, जब आदमी मरने की कगार पे होता है तो उसको सिलेंडर की ऑक्सीजन ही दी जाती है, वो बाहर की ऑक्सीजन कैसे खींचेगा, उसमें ताकत ही नहीं है। तो इस तरह की इलॉजिकल बातें वो अपनी इतनी बड़े मंच से बोलते हैं। और इनका जो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में है वो 2006 में स्थापित हुआ और इतना बड़ा आज नेटवर्क बन चुका है, पूरे इंडिया में लगभग 5,000 से भी ज़्यादा दुकानें हैं और लगभग 2 लाख से ज़्यादा इनके वहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं। और वर्कर्स को कितना पेमेंट देते हैं, 6,000-7,000, और ज़्यादातर वर्कर तो सेवा करते हैं वहाँ पर, और इनके प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से महंगे होते हैं सेवा करने के बावजूद भी। और कुछ प्रोडक्ट तो बैन कर रखे हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते। और कभी भी इनकी इनके कोई भी स्टोर से, पतंजलि स्टोर से, जहाँ कोई भी और जिसने थोड़ा बहुत सामान रखा हो उनके पास जाना, तो ज़बरदस्ती आपको पतंजलि का सामान पकड़ाएंगे। अच्छी बात है, पतंजलि एक इंडियन ब्रांड, एक स्वदेशी ब्रांड अगर बाहर की कंपनी को पीछे कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, हम सब भी मिलकर खरीदेंगे। लेकिन अगर उसकी मार्केटिंग ऐसे हो ना कि ये वाला प्रोडक्ट बेकार है, हमारा जो आया अच्छा है, अब तक जो आप कर रहे थे वो जहर खा रहे थे, ये बिल्कुल सही है, इस तरह से वो मार्केटिंग करते हैं। आप कभी भी चले जाओ, 2 मिनट तक आप वहाँ रुकोगे ना तो आपका सिर खा जाएंगे वो वहाँ के लोग, ये लो आपके बच्चे के लिए, ये लो आपका बच्चा पढ़ाई करता है उसके लिए, ये लो। मतलब इतनी गंदी इनकी मार्केटिंग है ना, इतनी गंदी, इसलिए सामान खरीदने का मन नहीं करता इनकी शॉप से। इनका काम ही यही है कि बस लोगों को ब्रेन वॉश करो। जिस चीज़ के बारे में ये पहले बोल रहे थे कि जीन्स पूरी पूरी बदन को सार देती हैं, वही लॉन्च कर दी इन्होंने। जो मैगी हमारे पेट को ख़राब करती थी, लंबे लंबे नूडल्स हमारी आंतों में जमते थे, वही लॉन्च कर दिए। और भी जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, A to Z सारा आज पतंजलि का आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, जो पहले का वो बेकार है, इस तरह की इनकी मानसिकता है। मतलब ये प्रॉपर गाइड नहीं करते और ये उल्टा योग का भी मजाक उड़ा रहे हैं। बाबा रामदेव ही सिर्फ योग गुरु नहीं, इंडिया में हजारों योग गुरु हैं और ये एक अच्छी साइंस है, एक अच्छा मेडिटेशन है। और आयुर्वेदिक कहाँ यूज़ करना है, एलोपैथी कहाँ यूज़ करना है, इसका ज्ञान आज के लोगों को है। आप ये सब बोल के आयुर्वेदिक का भी मजाक उड़ा रहे हो, तो ये सब बंद होना चाहिए। और इस तरह की जो चीप मार्केटिंग है ना, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये पूरा पतंजलि प्रोडक्ट खड़ा ही चीप मार्केटिंग के ऊपर हुआ है और कुछ भी नहीं है।